Hello students, our topic of discussion today is the most awaited topic. Although I took lectures on this, but still there were so many students telling ma'am mole ka basics ka ek full lecture record kar lijiye. So here is the moment for that. I am taking a lecture on mole concept where I'll be covering all the basics required in the mole, and then we will proceed with numericals on it. Okay, so let us begin. So hamara topic of discussion hai mole. Mole ke liye aur koi word hum use kar sakte hain, jaise ki heap, pile, यानी कि ढेर, कुछ बहुत सारे नंबर्स इकट्ठे कर देना, इकट्ठा किया हुआ सामान. मोल, मोल इज नथिंग बट अ सामान जो कि इकट्ठा करके रखा हुआ है. वो सामान क्या है और कितना इकट्ठा किया हुआ है, ये फिक्स्ड नंबर है. ओके, सो कुछ और भी चीजें जो हम यूज करते हैं, इट इज नथिंग बट अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट. Mole is nothing but a unit of measurement. Mole is nothing but a unit of measurement. Ek measurement unit hai mole. Now, jaisa ki students aapko pata hai, maan lijiye agar main dozen bolti hu, dozen matlab kitna? ध्यान करके रखिए, मतलब कितना, बोलिए मत अभी, बस ध्यान में रखिए, फिर आप आंसर्स देना. सिमिलरली मैं बोल सकती हूं स्कोर, विच इज ऑल्सो अ नंबर, अ फिक्स्ड नंबर, इट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ मेजरमेंट. आई कैन से सेंट, विच इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट. आई कैन से ग्रॉस, विच इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट. And still bigger unit of measurement, still bigger unit of measurement is mole. A dozen contains 12 units. Similarly, score contains 20 units. Cent yani 100 unit, and gross yani 144 units. Yani 12 dozen. 12 into 12, 144 होता है ना, 12 into 12 is 144. So 12 dozen means 1 gross. Okay? तो ये सब numbers हैं. अब जैसे मैंने बोला 12 पंखे, तो इतना बड़ा 12 पंखे बोलने की जगह मैं बोल दूं 1 dozen fan. अब मैं बोलूं 12 और 12 यानी 24 छिपकली, तो 24 छिपकली बोलने से अच्छा 2 dozen lizard, 2 दर्जन छिपकली, करेक्ट. सिमिलरली इफ आई वांट टू से 48 glass, आई कैन से 4 dozen glass. तो इजी होता है ना बोलना, मेजरिंग यूनिट लेके इजी होता है ना बोलना. जैसे मानो 144 एप्पल, 144 apples. I can simply say 1 gross apple. मतलब गिनना आसान हो जाता है इस तरह की measuring unit use करके. Similarly, if I say 60 oranges, I can say instead of 60 oranges, 3 score oranges. Each score has 20 pieces. So, 3 score has 60 pieces. So, just a unit of measurement. Cent. बोलते ना, कितना percent आया? 100%. Percent मतलब 100. Cent मतलब 100. तो, 100 air conditioners. So, 1 cent air conditioner. Easy हो गया बोलना. Correct? Similarly, mole. Mole is a number which is equal to
6.022 into 10 raised to 23, my God, अरबों खरबों में चला जाएगा. अब गिनना कितना मुश्किल हो जाएगा. मानो one mole computers. वन मोल कंप्यूटर यानी 6.0 to 10 raised to 23 कंप्यूटर्स, यानी गिनना कितना मुश्किल हो जाएगा ना. 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते खरबों तक थोड़ी गिनेंगे. तो वन मोल, ऐसे मैंने बोला वन मोल हाइड्रोजन, तो यानी 6.022 into 10 raised to 23 हाइड्रोजन. तो गिनूंगी थोड़ी 1, 2, 3, 4, तो गिन ही नहीं पाएंगे, खत्म ही नहीं होगा. तो टू फिनिश इट इजिली वी आर यूजिंग अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच इज मोल. And mole simply tells us how many quantities, and that quantity is 6.022 into 10 raised to 23. यानी गिनती को आसान बनाने का तरीका है. Just like ये सब unit of measurement है, वैसे ये भी एक unit of measurement है, एक count करने की तरीका है. Count करने का एक तरीका है. So this is nothing but a unit of measurement. This is nothing but a unit of measurement. Correct? I can also say this is a fixed quantity, of course. It is a fixed quantity. हमारी मर्जी नहीं है हम कितना भी ले लें. आप बोले हम, आप बोलोगे आप वन मोल में 6.022 to 10 raised to 11 लोगे. क्यों? दिमाग खराब हो गया है. अ मोल इज अ फिक्स्ड नंबर, तो वही नंबर हमें लेना है. देन ये जो नंबर है, ये जो 6.022 to 10 raised to 23 लिखा है, दिस इज नथिंग बट द एवोगैड्रोज नंबर. दिस इज नथिंग बट द एवोगैड्रोज नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन स्मॉल ए. ये सोडियम नहीं है, सोडियम में कैपिटल एन और स्मॉल ए है. ये कैपिटल एन स्मॉल ए नहीं है, ये कैपिटल एन कैपिटल ए है. मैंने लिखा एन ए, आप ध्यान ही नहीं दोगे, आप सीधा सोडियम का फॉर्मूला लिख दोगे, कैपिटल एन स्मॉल ए. इसलिए मैंने वो स्पेसिफिकली बोला आपका ध्यान जाए, इसलिए वो सोडियम है, ये कैपिटल एन कैपिटल ए है, एवोगैड्रोज नंबर है. तो मोल इज नथिंग बट द एवोगैड्रोज नंबर. तो एक बार इस छोटी सी चीज का रिकैप देखते हैं क्या. मोल इज नथिंग बट अ लैटिन वर्ड विच मीन्स हीप, पाइल, ढेर. कैसे भूसे का ढेर होता है ना, ढेर. नाउ मोल इज नथिंग बट अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट. एक क्वांटिटी को सिग्निफाई करता है. जस्ट लाइक वन डजन इज 12, वन स्कोर इज 20 यूनिट्स, वन सेंट इज 100 यूनिट्स एंड वन ग्रास इज 144 यूनिट्स, दैट इज 12 डजन. सिमिलरली वन मोल इज इक्वल टू 6.022 इनटू 10 रेज टू 23 यूनिट्स. दिस इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी, इट्स नॉट ऑन योर मूड और माय मूड दैट व्हिच एवर नंबर आई वांट आई कैन टेक. Now to count such a big number of 6.02 to 10 raised to 23, it becomes very, very difficult. And hence to avoid such a big counting, which will be really impossible to do actually in reality, we are making use of the term mole, wherein wherever we want to say 6.022 into 10 raised to 23, we will not say such a big number, we will not count such a big number, we will just make use of the term one mole. So mole is a fixed quantity and this number is nothing but the Avogadro's number and it is denoted by capital N, capital A. Okay, now we see further. That is our first point in understanding mole. Now the second point. Suppose I take some fixed things, I'm telling you now. Suppose I take 6.022 into 10 raised to 23 quantity. Quantity mein abhi hame pankhe nahi lene hain and we don't have to take lizards or oranges or air conditioners or apples. But we are now coming to chemistry and we will think of atoms, molecules, electrons, protons, neutrons. So let us apply mole to these now. So children, if I say 6.022 into 10 raised to 23 atoms,
Then this simply means the gram atomic mass. The atomic mass in gram. Atomic mass ke pehle gram laga dene ka. Gram atomic mass. That is 6.02 to 10 to 23 atoms. Kisi bhi particular type ke atom ka jo atomic mass hai, uske andar us atom ke 6.02 to 10 to 23 units, particles, quantities hote hain. Now, suppose I say 6.022 into 10 raised to 23 in a 10 raised to 23 molecules. And that means gram molar mass, or we also call it molar mass, or we also call it molecular mass, or we also call it molecular weight. Molecular weight. Okay. ये सब खाली अटेंड नहीं करने का है, बैठ के जरूर रट्टे भी मारना है, ये सब टर्मिनोलॉजीज याद होना चाहिए. So, when I take a molecule, say, suppose I take water molecule, तो water molecule is H2O, तो H2O में दो H है, एक O है, दो H का weight, 1 plus 1 और O का 16, तो 1 plus 1 plus 16 हो गया, 18 gram, तो 18 gram water has 6.022 into 10 raised to 23 particles of water. Okay. Next, we can also say 6.022 into 10 raised to 23 molecules again. 6.022 into 10 raised to 23 molecules of a gas at STP. STP yani standard unit of temperature and pressure, standard unit of temperature and pressure. Jahan pe temperature hai 0 degree centigrade yani 273 Kelvin aur pressure hai 1 atmospheres. और ये हमेशा इक्वल होता है टू 22.4 लीटर एंड दैट इज द ग्राम मोलर वॉल्यूम जीएमवी आल्सो कॉल्ड मोलर वॉल्यूम. सो व्हाट इज मोलर वॉल्यूम? मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी गैस एट एसटीपी. Gram molar volume is the volume occupied by molecular weight of any gas at STP. So gram molar volume is nothing but the volume occupied by molecular weight of any gas at STP. Okay? Aur uske andar bhi hote hain 6.022 to 10 raised to 23 particles of that gas, and the particles are nothing but the molecules. So a quick recap of this much, not that from beginning this is very much clear, only this part. Up to 6.02 to 10 raised to 23 is itna bada number hai ki we don't use this number to count fans and oranges and apples, but we are applying it to minute particles, atoms, molecules, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, आयॉन्स, इन सबको काउंट करने के लिए हम मोल का यूज कर रहे हैं. ये पार्टिकल इतने छोटे हैं, एक एटम इतना छोटा है, एक एटम इतना है मतलब कितना है? इतना है. इतना है मतलब कितना है? इतना है मतलब इतना छोटा है कि दिख ही नहीं सकता है. समथिंग विच इज नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, हाउ कैन यू काउंट इट? आपको दिख ही नहीं रहा है और आप काउंट कर रहे हैं 1, 2, 3, दैट्स टू मच. सो टू काउंट सच पार्टिकल्स we have framed a number which we are calling 6.022 into 10 raised to 23. और जब इतने सारे atoms हम लेते हैं तो हमें दिखने लगते हैं, इतने सारे जब molecules हम लेते हैं तो वो भी हमें दिखने लगते हैं, and then the measurement becomes convenient. So, if I take 6.022 into 10 raised to 23 atoms of any substance, atoms if I take, तो वो मिला के जो वजन आएगा वो उसका atomic mass होगा. Similarly, if I take 6.022 into 10 raised to 23 molecules of any substance, तो वो सब मिला के जो वजन आएगा, वो उसका molar mass होगा.
और अगर ये मॉलिक्यूल गैसेस के हैं तो इस मोलार मास का वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा, जिसे कि मोलार वॉल्यूम बोलते हैं। और इन सब के आगे अगर हमने ग्राम लगा दिया पहले, तो एटॉमिक मास को हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास को हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और मोलार वॉल्यूम को हम बोलते हैं ग्राम मोलार वॉल्यूम। सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.022 × 10⁃³ एटम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। सिमिलरली ग्राम मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज नथिंग बट 6.022 × 10⁃ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट थिंग, एंड दैट ग्राम मोलार मास ऑफ अ गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर इन वॉल्यूम, एंड दैट इज ऑलवेज ऑलवेज फॉर गैसेज एट STP, वेयर STP इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड टेम्परेचर इज 273 केल्विन हियर एंड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, एंड 273 केल्विन इज नथिंग बट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इजंट इट। नाउ वी प्रोसीड फर्दर विद दिस। अब मैं आपको एक सवाल पूछ रही हूँ, और वो सवाल ये है जो कि आपका थर्ड पॉइंट है। यहाँ तक हमारे दो पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर बच्चों आपने 6.022 × 10⁃ लिख सकते हैं, आप चाहिए तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हैं, वैसे मैं थोड़ा सा समय दूंगी बीच में। अगर मैंने 6.022 × 10⁃ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन लिए तो इसका वजन कितना होगा, जरा बताइए। लेट अस सी आपका आंसर क्या आता है। ऐसे सवाल बहुत ही मरियल और आसान है, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। सो द थर्ड पॉइंट, ओके, and the third point is, if I take 6.022 × 10⁃ atoms of hydrogen, तो ये किसको refer करेगा? Atomic mass को, और हाइड्रोजन के एटम का मास है, हाइड्रोजन के एटम का मास है, ये थोड़ा सा डार्क कर रहे हैं उस लाइट, उस जगह पर थोड़ा लाइट आता है, इसके लिए दिखता कम है कभी कभी। सो 6.022 × 10⁃ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, उसका मास होगा 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, और क्योंकि ये 6.022 × 10⁃ एटम है, यानी एटॉमिक मास इन ग्राम है, तो ये होगा 1 ग्राम। यानी कि बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में उसके कितने एटम्स हैं, तो आंसर है 6.022 × 10⁃ एटम्स हैं। और कोई पूछे मॉलिक्यूल कितने, तो एक एक मॉलिक्यूल में दो दो एटम होंगे, तो 6.022 × 10⁃ का आधा हो जाएगा बिल्कुल, दैट इज 3.011 × 10⁃ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम, और 6.022 × 10⁃ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम। ओके, अब यहां से हम और एक चीज कर सकते हैं, हम एक एटम का मास भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, लेट अस फाइंड द मास ऑफ वन एटम, ये चक्रम है, इसको सब कुछ आता है, देखो कैसे। सो नाउ आई नो 6.022 × 10⁃ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम, तो मुझे निकालना है 1, just 1, only one atom of hydrogen, just one, only one atom of hydrogen equal to how much? Once again I'm repeating, if 6.022 × 10⁃ atoms of hydrogen weigh 1 gram, then just one, only one atom of hydrogen will weigh how much? So cross multiply karte hain this into this, malum hai na, 1 × 1 divide by 6.022 × 10⁃. Scientific calculators are not allowed in the JE or NEET. तो खुद calculation करना है, तो 1 divide by 6.022 × 10⁃, देखते हैं ये क्या बनेगा। 1 × 1 upon
इसको ऊपर ले लेते हैं 10^-23. ओके इधर डिवाइड करके देख लेते हैं. तो 1,006,022. लेट अस सी. सो 6022 वन से नहीं जाएगा तो 0.8 ले लेते हैं. ठीक है. सो वंस आर 6022. ओके माइनस माइनस करना आता है ना कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है. आता है 10 में 2 गया 8, 9 में 2 गया 7, 9 में अंडा 9. क्या बचा सोचो. 9 में 6 गए 3, 3 9 7 8. एक अंडा और ले लेते हैं क्योंकि कटेगा नहीं. एक अंडा लिया तो 6r क्या आया? करो 6 to 12 1 6 12 1 36 6 6 6 6 आर 36 तो हो गया 36132. ओके अगेन 10 में 2 गया 8, 8 में से एक कैरी वहां किया बच गया 7, 7 में 3 गया 4, 7 में 1 गया 6, 9 में 6 गया 3, वापस एक 0 लो 6, 36132. ओके I told you in the very beginning that we have to find three digits हो गए 166. तो ये हो गया 1 into ये आया 0.166 × 10^-23 जो कि हो गया 1.66 × 10^-24. कोई भी नंबर बिना यूनिट के यूजलेस है तो यूनिट कॉपी करते हैं. 1 into 1 ये ग्राम है, यूनिट ग्राम है तो ये हो गया यूनिट हो गया अपना ग्राम. तो हाइड्रोजन के एक एटम का वजन है 1.66 × 10^-24 ग्राम और इसी को बोलते हैं 1 AMU और AMU को ये भी बोलते हैं 1 unified और AMU का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट. आई होप दिस इज क्लियर. मतलब जो पीरियोडिक टेबल पे हम लिखते हैं 1H1 ये जो 1 है इसको अगर आपने AMU में लिखा तो ये एक एटम का वजन है और अगर आपने इस 1 को ग्राम में लिखा तो ये एक मोल एटम का वजन है. यानी ये 6.022 × 10^-23 एटम्स का वजन है. Correct? I hope this is clear to you. Yes? इसको एक बार review कर लेते हैं. क्या करेंगे? We have learned so far that if I take 6.022 × 10^-23 atoms of an element, then I will get atomic mass of the element which I express in gram and I call it gram atomic mass. So I do the interpretation that if 6.022 × 10^-23 atoms make atomic mass, then one atom will be how much? One atom will be nothing but atomic mass upon 6.022 × 10^-23. When I apply this for hydrogen, I do 1 into 1 upon 6.022 × 10^-23. So this comes 1.66 × 10^-24 gram, and this quantity is the mass of one atom of hydrogen, which can also be written as 1 AMU. 1 AMU is nothing but 1.66 × 10^-24 gram. AMU full form is atomic mass unit, and AMU is also called unified mass. Okay, let us apply this to. किसी और को अप्लाई करना है आपको ये. लेट अस अप्लाई इट टू, चलो ऑक्सीजन को अप्लाई करते हैं. ओके यहाँ चेंज करते हैं और यहाँ भी चेंज करते हैं. पॉइंट नंबर 4 ऑब्वियसली ये भी चेंज होगा और ये हाइड्रोजन हम नहीं लेंगे. लेट अस सी. ओके इसको इरेज कर देते हैं. वी डोंट नीड दिस एनीमोर. And okay, this will change. No, this will be. चलो ये पूरा हम वापस लिख लेंगे. No problem.
Okay, no shortcut. Okay, ye sab erase karte hain. Now, let us take oxygen. Now, children, let us take oxygen. Just waiting for a second for this bird to dry. Few seconds. Okay. Now, if I want to take 6.022 into 10 raised to 23 atoms of oxygen, तो वो होता है 16 ग्राम. ठीक है. अब मुझे एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का वजन चाहिए. तो 1 into 16. ओके, अब देखो ये क्वांटिटी हमने सॉल्व की हुई है. ये कितनी आती है? 1.66 into 10 raised to minus 24 into 16 ग्राम. ये हो गया वन एटम ऑफ ऑक्सीजन का वजन. अब आपको पता है ये एएमयू है, यानी ग्राम. ग्राम हट जाएगा अगर मैं इसको वन एएमयू लिखूं, तो ये हो गया वन एएमयू इंटू 16. अब यूनिट हमने चेंज कर दिया, ग्राम नहीं रहा, तो ये हो गया 16 एएमयू. मतलब जब मैं पीरियोडिक टेबल पे लिखती हूँ 8 और 16, तो अगर इस 16 को हमने एएमयू यूनिट दिया तो ये वन एटम ऑफ ऑक्सीजन का वजन है, और अगर हमने इसे यूनिट ग्राम दे दिया तो हमें पता है ये 6.022 into 10 raised to 23 atoms का वजन है, and that is nothing but ये one mole ऑक्सीजन नहीं, one mole एटम ऑफ ऑक्सीजन. क्योंकि अगर आपने वन मोल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ले लिया तो वजन 32 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि एक मोल मॉलिक्यूल में दो एटम है. वन मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन वे 16 ग्राम, सो ऑब्वियसली वन मोल मॉलिक्यूल विल वे 32 ग्राम. राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. आई मीन इट शुड बी क्लियर टू यू. ओके, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. Let's take the example of aluminium. Okay, let us take the example of aluminium. Suppose I take aluminium here. Okay, this will change. Let us see. Okay. I take 6.022 into 10 raised to 23 atoms of aluminium. Okay? 6.022 into 10 raised to 23 atoms of aluminium lete hain. Yeah? So, atoms of aluminium. Now, that weighs 27 gram. So, one atom of aluminium will weigh 1 into 27. This comes out to be same in 27. फिर उसे एएमयू में लिखा 27, तो ये हो गया 27 एएमयू. So mass of one atom of aluminium is 27 atomic mass unit or 27 unified, while the mass of 6.022 into 10 raised to 23 atoms of aluminium is 27 gram. Okay. अब इसी चीज को हम थोड़ा सा, ये हमारा हो गया फोर्थ फिफ्थ सिक्स, वो फिफ्थ था, ये हमारा सिक्स पॉइंट हो गया. अब हम नेक्स्ट इसी चीज को एक अलग ढंग से सॉल्व करते हैं. सेम थिंग, बट वी विल सॉल्व इट इन लिटिल डिफरेंट मैनर. नाउ लेट मी जस्ट इरेज द बोर्ड.
let us see this in different manner. That is about point number 7, children. And we'll be doing the same calculation, but in a different pattern. Now, the pattern is, suppose I take a nitrogen atom, then कि आप बस लिखिए कि एक नाइट्रोजन एटम में यू कैन राइट आप लिखिए एक नाइट्रोजन एटम में कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन होंगे. एक अलग अंदाज से इसी चीज को सॉल्व करते हैं, लिटिल डिफरेंट. सो लिख लिया होगा अब तक आपने 7th पॉइंट एंड दैट इज पहले तो यहां लिख देते इट्स डिफरेंट कुछ खास है. सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे. ओके एंड व्हाट्स दैट स्टूडेंट्स सपोज आई टेक नाइट्रोजन एटम देन व्हाट आई वांट टू नो इज नाइट्रोजन एटम हैज हाउ मेनी प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन. सो वी नो नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन है 7 न्यूट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है. ओके अब जो चीज हमें पता होनी चाहिए वो ये कि मास ऑफ प्रोटॉन बच्चों होता है 1.67 इनटू 10 रेज टू माइनस 24 ग्राम. ओके ये जो मास ऑफ प्रोटॉन है हम जो बोल रहे हैं 1.67 10 रेज टू माइनस 24 ग्राम ये कुछ नहीं है पर ये 1 amu है. अभी अभी हमने सीखा है एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है सिमिलरली मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.86 है लेकिन अप्रोक्सीमेशन के लिए हम 67 ले रहे हैं उससे हमारे कैलकुलेशन को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. तो इट इज 1 amu अगेन. अभी 1.86 को भी आपको इधर 1 amu ही लिखना होगा. एंड सिमिलरली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 raised to minus 27 ग्राम. आप देख सकते हैं कितना छोटा है वो इतना छोटा है कि ये करीब 1/1837 टाइम ऑफ प्रोटॉन है. माय गॉड सो इलेक्ट्रॉन इज सो वेरी स्मॉल सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं और निग्लेक्ट कर देंगे. वी विल नॉट कंसीडर इट. यानी कि 1 amu 1 amu 7 है अगर प्रोटॉन तो मास हो गया 7 amu. इधर भी 7 और इधर 0 इस तरह से ये हो गया 14 amu. तो नाइट्रोजन एटम का मास हो गया 14 amu. अनदर वे टू सॉल्व द सेम थिंग. ओके अब इसको हम ग्राम में भी लिख सकते हैं. 14 इंटू 1 amu होता है 1.66 इंटू 10 रेस टू माइनस 24. इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम. अब अगर 1 एटम का मास ये है चिल्ड्रन और मुझे निकालना है 1 मोल नाइट्रोजन का मास. ठीक है ये क्या है ये 1 एटम का मास है ये क्या है ये भी 1 एटम का मास है लेकिन मुझे मास चाहिए 1 मोल एटम का. क्या चाहिए मुझे 1 मोल एटम का मास चाहिए तो मैं क्या करूंगी 14 इंटू 1.66 इंटू 10 रेस टू माइनस 24 इंटू 1 मोल एक मोल भी एक एटम का इतना तो एक मोल का कितना एक मोल में कितने एटम होते हैं इंटू 10 रेस टू 23 ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगी तो ये आता है 1. कितना आता है 1 ग्राम है ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 1. आप करके देखिए तो ये हो गया 14 ग्राम. सो 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन वेज 14 amu बट 6.022 10 to 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन वे 14 ग्राम. सेम थिंग बिल्कुल वही लेकिन एक अलग तरीके से हमने उसको सॉल्व किया. बिल्कुल सेम फंडा चलिए अप्लाई करते हैं हम कार्बन पे. ठीक है चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं इधर ही लिखते हैं कार्बन पे अप्लाई करते हैं कार्बन एटम. नाउ चिल्ड्रन कार्बन एटम हैज 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन
and 6 electron. 6 proton, 6 amu, 6 amu 0. So, ye ho gaya 12 amu. So, 12 amu is mass of 1, just 1 atom. ठीक है? इसको हम ग्राम में लिख सकते हैं 12 into 1 amu का मास यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया 12 into 1.6 10 raised to minus 24 ग्राम जो कि हो गया 1 atom of कार्बन का मास. अब मुझे 1 मोल एटम का मास चाहिए. 1 मोल में होते हैं 6.022 तो यही हो गया 12 into 1.66 into 10 raised to minus 24 into मोल एंटर किया 6.022 into 10 raised to 23 ये ग्राम है. अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया तो 1 आता है तो ये हो गया 12 ग्राम. तो 12 ग्राम इज मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ कार्बन. मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ कार्बन. So, this is another way of looking at the same thing. Same चीज को मैंने दो ढंग से solve करके बता दिया. अब तो मुझे नहीं लगता किसी को मोल में problem होना चाहिए. मोल तो समझ आने लगा है भाई. Now, जब तक हम board को erase कर देते हैं, साफ कर देते हैं, तब तक हम आपको एक सवाल दे रहे हैं. आप timing एक सवाल solve करिए. और आप पता लगाइए कि सोडियम के एक एटम का मास कितना और 2 मोल सोडियम एटम का मास कितना. 1 एटम ऑफ सोडियम एंड 2 मोल एटम ऑफ सोडियम का मास कितना. बी रेडी. एक 30 सेकंड लीजिए, सॉल्व करिए. So the question is, what is the mass of 1 atom of sodium and what is the mass of 2 mole atoms of sodium? Come on, be quick. Come on, be quick. तो आंसर आ रहा है मुझे, मैसेज किया है कुछ लोगों ने, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम इज 23 amu एंड मास ऑफ 2 मोल एटम ऑफ सोडियम इज 46 ग्राम. नॉट 23 ग्राम बिकॉज़ मैंने 1 मोल एटम नहीं पूछा, मैंने 2 मोल एटम ऑफ सोडियम पूछा. ओके, अब जरा इसको एक मस्त मैथमेटिकल वे में लिखते हैं. Let us write it in a nice mathematical way. Okay. So we learned mole. Mole हमने तीन ढंग से देख लिया. पता नहीं आपको समझा कि नहीं. But we saw it in three patterns. Huh? Let us see what.
हमने देखा मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. ये तीन ढंग से हमने मोल को देखा. देखिए कैसे तीन ढंग से हमने मोल को देखा. मोल 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 इन टर्म्स ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ मास. पहला हमने देखा मोल इन टर्म्स ऑफ मास. ओके, फिर हमने देखा मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर. हमने देखा मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर. फिर हमने देखा मोल इन टर्म्स ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. देखते हैं क्या था ये. ओके, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. ओके, पूरा ठीक से लिखते हैं. अ मोल इन टर्म्स ऑफ मास इज, लिख रहे हैं हम कुछ नहीं बल्कि अच्छा है और क्लियर हो जाएगा. इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. आप भी लिख सकते हैं साथ में, डेफिनेशन याद हो जाएगी. मोल इन टर्म्स ऑफ मास इज डिफाइंड एज, मोल इन टर्म्स ऑफ मास इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैज मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास. ये भी हमने देखा इसका फुल फॉर्म, ग्राम एटॉमिक मास. इफ द सब्सटेंस इज विच हैज मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, और इफ द सब्सटेंस इज, और इफ द सब्सटेंस इज mole in terms of mass is defined that amount of substance which has mass equal to gram atomic mass if substance is, नीचे लिखते हैं, if the substance is atomic atomic और ग्राम मोलर मास इफ द सब्सटेंस इज मॉलिक्यूल. ओके, द सब्सटेंस इज एटॉमिक एंड इफ द सब्सटेंस इज मॉलिक्यूल. अब इसको अप्लाई करते हैं. अभी अभी किया, let us apply it. 1 mole of carbon atom, mole in terms of mass is defined as that amount of substance which is equal to gram atomic mass agar wo ek atom hai, and equal to gram molaric molecular mass agar wo ek molecule hai. Jaise ki bachon, 1 mole of carbon atoms is nothing but
ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कार्बन का 12 और उसमें जी लगा दो, ग्राम एटॉमिक मास यानी 12 ग्राम हुआ। सिमिलरली 1 मोल, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स, तो ये हो गया 23, उसमें ग्राम लगा दो, ग्राम एटॉमिक मास। Similarly, 1 mole of oxygen atom. तो oxygen का atomic mass 16 amu gram लगा दिया, तो हो गया gram atomic mass, 1 mole का वजन। अब कुछ अलग चीज लिखते हैं, 1 mole of oxygen molecule हो गया O2, तो 16 plus 16 32 gram। और अलग करते हैं, 1 mole of water molecule, 1 mole of water molecules, so 1 mole of water molecule, water में H2O, 2 और 16 18 यानी 18, अगर 18 AMU लिखा तो पानी के एक एक मॉलिक्यूल का वजन है, लेकिन अगर पानी के 6.022×10⁻³ मॉलिक्यूल्स लिए तो 1 मोल होगा और वजन हो जाएगा 18 ग्राम लग जाएगा। 1 मोल ऑफ, 1 मोल of carbon dioxide molecules yield 44 gram, कैसे कार्बन का 12 16 16 हो गया 44। ओके, ये सब कितना है, 1 मोल का वजन यानी 6.022×10⁻³ पार्टिकल इसके, और अगर ये मोल हटा दिया और मैंने बोल दिया 1 कार्बन 12 AMU, 1 सोडियम 23 AMU, 1 ऑक्सीजन एटम 16 AMU, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 32 AMU, 1 वाटर मॉलिक्यूल 18 AMU, 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल 44 AMU। मोल हटा दिया, सिर्फ एक का वजन लिया तो AMU। Yeah, clear? Now mole in terms of number. I write the definition. It's a little tedious to write definition, but understanding bahut acha ho jayega. So a mole is defined as that amount of substance. Mole in terms of number is defined as that amount, that amount of substance, mole in terms of number is defined as that amount of substance which contains Avogadro's number, और ये Avogadro's number कितना है, दूसरे कलर से लिखते हैं, Avogadro's number यानी 6.022×10⁻³ atoms, if the substances atomic or molecules, if the substance is molecular, तो अगर मॉलिक्यूल की बात होती है तो 6.022×10⁻³ मॉलिक्यूल्स लेने एक मोल में,
अगर एटम्स की बात होती है तो 6.0 × 10²³ एटम्स लेने, और अगर आयंस की बात होती है तो 6.0 × 10²³ आयंस लेने। ओके, अब लिखते हैं, जैसे इसी को 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं, 1 मोल यानी क्या, यानी 6.022 × 10²³ कार्बन एटम्स, एटम्स ऑफ कार्बन। ओके, 1 मोल सोडियम एटम्स यानी 6.022 × 10²³ सोडियम एटम्स। Okay, similarly 1 mole oxygen atoms yani 6.022 × 10²³ oxygen atoms। Okay, आगे बढ़ते हैं, 1 mole of ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यानी 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 1 mole water molecules, 6.022 × 10²³ molecules of water, 1 mole black pan , 1 mole carbon dioxide molecules, correct? Yani ki kya 6.022 × 10²³ molecules of carbon dioxide. Okay, now the last category is mole in terms of volume, which is applicable to only gases. So mole in terms of volume is defined as, is defined as mole in terms of volume, beech mein kahin lecture mein bataya tha, is defined as amount of gas, only for gases, mole in terms of volume is defined as amount of gas which has volume. Bol sakte ho, amount of gas, chalo hum likh dete hain, which has volume equal to 22.4 liters or 224 ml at STP. Only for gas. Okay, it is only for gases, right? अब apply करें examples. चलिए, कौन-कौन से gases ले सकते हैं? Sodium, sodium नहीं ले सकते अब हम. Only gases. जैसे कि, आइए देखते हैं.
हमने लिया यहाँ से गैस कौन है, कार्बन गैस नहीं है, सोडियम गैस नहीं है, पानी गैस नहीं है, बाकी ऑक्सीजन और कार्बन. ओके, सो वन मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल होता है, तो हो गया 32 ग्राम ऑक्सीजन. इसीलिए बोलते हैं ग्राम, ये जो 22.4 है ये ग्राम मोलर वॉल्यूम है, विच इज इक्वल टू ग्राम मोलर मास. ओके, वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दैट इज इक्वल टू 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड. So children, we did mole in terms of mass, mole in terms of a number, and mole in terms of the volume. Big thing. A lot of things we did in this lecture. Now let us move to one more interesting thing is there, and that is mole in terms of ionic compound. Mole in terms of an ionic compound. Have you heard of it? Mole in terms of ionic compound. I'll just tell you. Children, mole in terms of ionic compound. Now see, mole in terms of ionic compound is like, suppose I say mole in terms of ionic compound. A mole of an organic compound is defined as that amount of the substance which has mass equal to gram formula mass, that is formula mass expressed in grams. Yani ki, suppose maine ek ionic compound liya, theek hai, aur maine wo ionic compound liya NaCl. To pehle batao NaCl ka molar mass kitna hai, Na ka kitna hai, Cl ka kitna hai, dono ko jodo aur batao kitna mass hai. Na ka 23 और क्लोरीन का 35.5, तो हो गया 58.5. अब ये जो 58.5 ग्राम ऑफ NaCl है, ये हो गया वन मोल NaCl. लेकिन ये जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना, ये एक एक यूनिट में एग्जिस्ट करते हैं, एक एक यूनिट होता है, तो इनके एक एक यूनिट को बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट. क्रिस्टल्स होते हैं, एक एक यूनिट होता है, तो एक एक यूनिट को बोलते हैं हम एक एक फॉर्मूला यूनिट. और एक मोल नहीं, एक और एक यूनिट का मास होगा 58.5 amu. इसको मॉलिक्यूलर मास तो बोलते हैं, लेकिन इसे फॉर्मूला मास भी बोलते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला एक यूनिट, एक क्रिस्टल, एक फॉर्मूला NaCl जैसे लिया उसके रूप में एग्जिस्ट करते हैं. तो अगर पूछा वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl वेज, तो फॉर्मूला यूनिट यानी NaCl, तो 58 amu, वन फॉर्मूला यूनिट, नॉट वन मोल. तो वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl. तो और अगर मैंने लिया वन मोल ऑफ NaCl, तो उसमें होंगे 58.5 ग्राम NaCl, यानी 6.022 × 10⁻²³ फॉर्मूला यूनिट्स, यानी 6.022 × 10⁻²³ Na प्लस यूनिट होगा आयन, और 6.022 × 10⁻²³ Cl माइनस यूनिट होगा, यानी Cl माइनस आयन. सो दैट इज मोल ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड. और आयोनिक कंपाउंड ये यहां से इतना बताना था कि जैसे किसी का भी मोलार मास होता है, वैसे आयोनिक कंपाउंड के मोलार मास को हम फॉर्मूला मास भी बोलते हैं, बस, क्योंकि वो फॉर्मूला के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ओके, सो दैट वॉज अ वेरी बिग डिस्कशन ऑन मोल. नाउ एक और छोटी सी चीज सीख लेते हैं यहीं पर. लेट अस सी, क्या आई कैन इरेज दिस? यस, आप लोगों ने लिख तो लिया होगा.
नहीं तो बाद में वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके. Okay, let us see now. One more thing we will see, and that is एक छोटा सा छोटे examples देखते हैं, थोड़ा अच्छे से और समझ में आएगा क्या बात हो रही है. Suppose मैंने बोला one mole टेट्रा फॉस्फोरस, वन मोल टेट्रा फॉस्फोरस, वन मोल, थोड़ा डार्क कर देते हैं इसको बच्चों, डेकॉक्साइड. तो मुझे इसे एनालाइज करना है इसमें क्या क्या है, ठीक है. तो पहले तो टेट्राफॉस्फोरस डेकॉक्साइड, टेट्राफॉस्फोरस डेकॉक्साइड यानी ये होता है P4 टेट्राफॉस्फोरस डेक यानी 10, ऑक्सीजन यानी O, P4O10. अब वन मोल, तो वन मोल के लिए यहां क्या आएगा, 6.022 इंटू 10^23 P4O10 के क्या मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है. अब यही किसी ने आपको पूछा भाई इसमें कितने फास्फोरस एटम है, तो आप क्या बोलोगे. फिर आपको पूछा इसमें कितने ऑक्सीजन एटम है, ठीक है. फिर आपको पूछा इसमें कितने फास्फोरस मॉलिक्यूल है, फॉस्फोरस लिख देते हैं, फॉस्फोरस के एटम कितने हैं, फिर ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, फिर बोला भाई ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, तो फिर पूछा फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल कितने हैं. तो पहले ये समझ आना चाहिए कि सॉल्व कैसे करना है, फॉस्फोरस के कितने मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये सवाल है. लेट अस सॉल्व इट नाउ, इसको सॉल्व करते हैं. या अब P4O10 में 6.022 P4O10 मॉलिक्यूल है, फॉस्फोरस के एटम कितने हैं. अब देखिए ध्यान से, एटम चार एटम, लेकिन मोल में कितने होंगे, 4 मोल फास्फोरस एटम, यानी 4 इंटू मोल को डाल दीजिए यहाँ, 6.022 इंटू 10^23 फास्फोरस के एटम है, ठीक है, ओके. या सिमिलरली नेक्स्ट जाते हैं, ऑक्सीजन एटम 10 एटम है, एक P4O10 में 10 एटम है, एक मोल में 10 मोल एटम है, ठीक है. तो ये हो गया 10 मोल ऑक्सीजन एटम. अब मोल डाल दीजिए, यहाँ हो गया 10 × 6.022 × 10^23 एटम, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है. अब इधर देखते हैं नेक्स्ट वाले में, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल होता है O2, तो 10 O यानी 5 O2 यानी 5 मोल ऑक्सीजन. भाई 10 O यानी 5 O2 ना, एक O2 में 2 O ना, तो
तो पांच O2 में 10 हो तो 5 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो हो गया 5 × 6.022 × 10⁻³ मॉलिक्यूल। ओके अब फास्फोरस मॉलिक्यूल, फास्फोरस का एटॉमिसिटी 4 है तो P4। अब चार एटम एक ही मॉलिक्यूल में तो हो गया 1 मोल फास्फोरस मॉलिक्यूल यानी 1 × 6.022 × 10⁻³ P4। बस ये समझ आना चाहिए तो आपको मोल का जिस्ट आ गया। Now children, we have to do some of the formulas and we also have to do numericals on mole. Obviously, now taking up the numericals and the formulas will be too much. So this is a very big lecture, a long lecture, and I think this much is sufficient for time being. In the next lecture on mole, I'll be taking up the formulas and the numericals on it. Okay, bye-bye. Take care. See you. Love and blessings to all of you.